बिल्कुल बाजार जैसी नेचुरल्स की लीची आइसक्रीम आज हम बनाएंगे सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ। यहाँ पे मैं इसे स्कूप आउट कर रही हूँ और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं आए हैं आइसक्रीम में। बिल्कुल बाजार जैसी आइसक्रीम बनके तैयार होती है, विदाउट एनी आर्टिफिशियल कलर्स, विदाउट एनी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। इसे स्कूप आउट करने के तरीके से ही आप समझ सकते हैं आइसक्रीम का कितना बेहतरीन टेक्सचर आया है। तो आज बिना गैस चलाए हम बनाएंगे बहुत ही डिलिशियस लीची की आइसक्रीम। हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप कुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ बहुत ही इजी रेसिपी लीची आइसक्रीम बनाने की। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इस आइसक्रीम का मेन इंग्रेडिएंट है लीची, तो यहाँ पे मैं 250 ग्राम फ्रेश लीची का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब भी लीची सीजन में हो तो आप इस आइसक्रीम को बना के ट्राई कर सकते हैं। लीची को अच्छे से वॉश कर लें और फिर हम इसे छील लेंगे। आज हम इस आइसक्रीम को फ्रेश लीचीज के साथ बनाएंगे, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब भी लीची सीजन में आए तो आप इस आइसक्रीम को ट्राई करें, बहुत ज्यादा टेस्टी ये आइसक्रीम बनती है। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारी लीची को छील लिया है और एक प्लेट पे रख लिया है। गिनती में ये करीब 20 लीची है। अब हम इस लीची का पल्प निकाल लेंगे और इसके बीज को डिस्कार्ड कर देंगे। तो ऊपर का जो गूदा है लीची का वो निकाल लें और इसे एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में ट्रांसफर कर लें। कुछ इस तरीके से आपने लीची का पल्प निकालना है और इस बीज को हटा देना है। तो सारी लीची को मैंने बिल्कुल इसी तरीके से छील लिया है, इसका पल्प मिक्सर ग्राइंडर के जार में ट्रांसफर कर दिया है। खट्टी मीठी लीची बहुत बढ़िया लगती है इस आइसक्रीम के लिए, इसे जरूर ट्राई करें। अब हम इसी मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालेंगे फ्रेश क्रीम। 250 ग्राम के टेट्रा पैक का मैं यूज कर रही हूँ। बिल्कुल चिल्ड फ्रेश क्रीम आपने इसमें डालनी है, पूरे टेट्रा पैक को यूज करें। अक्सर काफी रिक्वेस्ट आती है कि व्हिपिंग क्रीम इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो आज हम इसे बनाएंगे बहुत ही इजीली अवेलेबल फ्रेश क्रीम के साथ, जो हर सुपरमार्केट में आपको मिल जाएगी। अब इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैं 1/3 कप यानी कि करीब 35-40 ग्राम मिल्क पाउडर का यूज कर रही हूँ। और इसी के साथ अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/3 कप कंडेंस मिल्क यानी कि करीब 100 ग्राम कंडेंस मिल्क का। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी का भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कंडेंस मिल्क से बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आएगा आइसक्रीम का। अब मिक्सर ग्राइंडर का लिड लगा लें और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करने के बाद मैं आपको आइसक्रीम के बेस का टेक्सचर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें लीची के कुछ चंक्स आ रहे हैं, यानी कि लीची कम्प्लीटली फाइनली ग्राइंड नहीं हुई है। हल्के हल्के से टिट्स एंड बिट्स लीची के आने दें, इससे आइसक्रीम में बहुत बढ़िया टेस्ट और टेक्सचर आएगा। अब इस मिक्सचर को हम पोर कर लेंगे आइसक्रीम टिन में। आप चाहें तो एल्युमिनियम का टिन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक ग्लास कंटेनर का यूज कर रही हूँ। अब इसे लिड से कवर कर दें। अगर आपके कंटेनर में लिड ना हो तो इसे एल्युमिनियम फॉइल से अच्छे से रैप कर दें। अब इसे टाइटली सील कर दें और ओवरनाइट फ्रीज होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने आइसक्रीम को 10 से 12 घंटे के लिए सेट करा है और अब इसे स्कूप आउट करने का टाइम आता है। जब भी आप आइसक्रीम सेट करें ध्यान रखें कि फ्रीजर का टेम्परेचर मैक्सिमम पे हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम परफेक्टली सेट हुई है। अब हम इसे स्कूप आउट कर रहे हैं। स्कूप आउट करने के तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आइसक्रीम का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। विदाउट एनी आइस क्रिस्टल्स ये आइसक्रीम बनी है बिल्कुल मार्केट वाले स्टाइल में। ना ही हमने इसमें किसी आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स का यूज करा है, सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं। बिना गैस जलाए ये आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। तो आप भी इस सुपर क्विक और इजी लीची आइसक्रीम की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में शेयर करें। आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।